मैंने पहली दफा जिंदगी में इतने करीब से शराब देखी है। इट्स हराम। नो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला की रहमत, करम, फजल और शुक्र के साथ आज का व्लॉग करते हैं जी शुरू। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शुक्रिया। तो रात को हम पहुँच चुके थे ताशकंद उज़्बेकिस्तान। तो रात को मैंने आपको अपना रूम जो है वो नहीं दिखाया था, तो आइए अभी आपको मैं अपना रूम दिखाता हूँ। ये रहा जी हमारा रूम, सिंगल सिंगल बेड है। इधर मैं सोया था रात को, इधर भाई बशर सोए थे। अभी चीज़ें जो है ना थोड़ी बिखरी हुई हैं। ये इधर टेबल है, अपना सामान जो है इधर भी हमने बखेरा हुआ है। तो अभी भाई बशर जो हैं वो सेट कर रहे हैं अपनी रज़ाई। एसी हमने रात को लगाया हुआ था और ठंड हो गई थी, फिर पूरी हम रज़ाई लेके सोए हैं सुकून से। इधर भाई बशर का सामान पड़ा हुआ है और ये मेरा बैग है, इधर मेरा बैग पड़ा हुआ है। बस ये रूम है और उस तरफ अलमारी है और इधर विंडो से बाहर का व्यू कुछ ऐसा है। और इधर रहा वाशरूम। इनके दरवाजे जो है ना अंदर की बजाय बाहर को खुलते हैं, ये नोट किया आपने? ये 1122 में थोड़ी ट्रेनिंग मैंने की थी, तो वहाँ पे जो एग्जिट होते हैं ना वो हमेशा बाहर को खुलते हैं। खुदा न खास्ता अगर कमरे में आग लगती है, हबस हो जाती है, वो गैस भर जाती है, तो अगर दरवाजा जो है बाहर को नहीं खुलेगा तो वो खोल ही नहीं सकते हो ना, आपको वो तो पक्का स्टक हो जाएगा, लॉक हो जाएगा। तो इसलिए जब भी रूम का कोई दरवाजा ना वो बाहर को खुलना चाहिए। फर्ज करें अगर अंदर को खुलेगा तो फिर वो प्रेशर इधर से बंद कर देगा उस दरवाजे को ना। ये मैंने वहां से सही सही सही। और ये छोटा सा हमारा वॉशरूम है, कमोड है इधर और इधर शावर रहा। ये अपनी कुछ चीज़ें इधर रखी हुई हैं, बाकी उन्होंने रखी हुई थी, ये उनका है, ये भी, ये भी, ये भी, और ये सामान हमारा है। रूम में दो विंडोज़ हैं, एक इस तरफ और एक पीछे। पीछे वाली का मैंने आपको व्यू दिखा दिया, इसका दिखाता हूँ अभी। यहाँ से गार्डन नज़र आता है, ये गार्डन है। और नाश्ता जो है होटल वालों की तरफ से कम्प्लीमेंट्री है। तो अभी नाश्ते का टाइम हो चुका है, 8:30 हो रहे हैं, तो अभी चल के नाश्ता करते हैं। नाश्ता हमारा आ चुका है जी। ये रहा हाफ फ्राई सॉसेज, क्या बता रहे थे आप? सॉसेज। और ये क्या होगा? ये कोई चेक करना पड़ेगा, मीठा है, खीर कह सकते हैं आप। ठीक हो गया। और ये रही साथ ब्रेड, ये आलू की टिक्की लग रही है मुझे, और साथ थोड़ा सा फ्रूट है। ये पैनकेक है। अच्छा पैनकेक है, वो बड़ा नहीं होता? मैं आलू की टिक्की समझ रहा था। और अभी कॉफी आई है साथ। आए हाय हाय, मुझे इतनी ज्यादा भूख नहीं थी, थोड़ा सा पैनकेक खाया, कॉफी मैंने सारी पी ली है। ये तो ट्राई करने नहीं आप करें, मैं सच में मेरा पेट फुल है। और ये थोड़ा सा तो नाम इसका मैं भूल जाता हूँ, जो भी है वो थोड़ा सा मैंने ट्राई किया है और थोड़ी सी ब्रेड खाई है और अंगूर खाया है, दैट्स इट। बाकी बच्चों ने तो दबा के नाश्ता कर लिया हैवी। ताशकंद की गलियों में इस वक्त हम घूम रहे हैं। पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के टाइमिंग में कोई फर्क नहीं है। फॉर एग्जांपल इधर 8 हो रहे हैं तो पाकिस्तान में भी 8 ही हो रहे होंगे, मतलब सेम टाइम है। धूप जो है सर्दियों वाली है, इधर टेम्परेचर ना थोड़ा कम है, ठंड लग रही है हल्की हल्की। और धूप में जब भी आते हैं ना तो मजा आता है, छांव में आते हैं तो हल्की हल्की ठंड लगना शुरू हो जाती है। ये मस्जिद है माशाल्लाह, हमारे होटल से 5 से 10 मिनट मैक्सिमम लग जाते हैं पैदल पैदल, अगर गाड़ी पे आते हो तो 1 से 1.5 मिनट। और एटीएम जो है वो हमसे वॉकिंग डिस्टेंस पे ही है, 500 मीटर की दूरी पे है हमारे होटल से। सबसे पहले हम जाएंगे एटीएम पे, पहले तो हम मिलियनर बनेंगे ना यहाँ पे, फिर उसके बाद हम कुछ और देखेंगे। यहाँ करोड़पति बनना बहुत ही आसान है, मिलियनर तो आप ऐसे बन जाते हो। अगर आपके पास $100 है ना तो आप तो समझो मिलियनर हो यहाँ पे, क्योंकि करेंसी जो है ना इनकी काफी लो है। और इनकी करेंसी का नाम उज़्बेक सोम है, उज़्बेक सोम। पाकिस्तानी 1 रुपया यहाँ पे मतलब 75 इसके करीब करीब ही बनते हैं, और $1 जो है इनका 10,000 सोम से ऊपर ऊपर बन जाता है। भाई अभी मिलियनर है यहाँ पे, आते ही बने थे क्योंकि हमने करेंसी थोड़ी सी एक्सचेंज करवाई थी। इधर एटीएम मशीन्स लगी हुई है, 1, 2, 3, 4। रात को आपने किया, आपको नहीं पता? हम करेंगे पाउंड में यार, ये तीसरा नंबर है, तीसरा नंबर ये। हाँ अभी खींचेगा ये, नोट का मसला ना हो। साडा नोट ही अंदर नहीं जाता पाया, असी की करना है, असी किवें मिलियनर बनना है। पाउंड इस मशीन ने एक्सेप्ट नहीं किए, लेकिन हमने $10 डाल के चेक किया, तो ये जी कितने इतने पैसे आ गए, कितने पैसे आ गए हैं? 50,000 का नोट। 100 करें, $100 ये ले, US डॉलर उज़्बेकिस्तान की करेंसी में हमें कन्वर्ट करना है। यहाँ पे आप 100 लिखेंगे और ये 1 मिलियन और 50,000 सोम बनते हैं। ये देखो 50,000 वाले ने बताया, ये तो डॉलर हमारी साइड आ रही है। $3,25,000
कितने कितने वाले हैं? 1000 वाला भी नोट है, सबसे छोटा 1000 वाले हैं। 50,000, ये 1000 वाला है जो कि कुछ ऐसा दिखता है। ये पीछे बैंक है और चार किस्म की मशीनें लगी हुई थी। आपके पास वीज़ा है, मास्टर है, यूनियन पे है, किसी किस्म का भी कार्ड है भाई साहब, धड़ाधड़ पैसे जो है ना बाहर आ जाते हैं। और आपने चेंज करवाने हो तो वो आपके सामने हमने करवाई हैं, लेकिन पाउंड उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किए। मुझे लग रहा है जो नोट थे ना भाई मुबशर के पास 100 पाउंड थे, तो वो नोट मुझे पुराने लग रहे थे, हो सकता है इस वजह से एक्सेप्ट ना किए हों। जैसे पैसे आए हैं ना 2.5 मिलियन है, तो वैसे ही ये पैसे उड़ेंगे भी। कोई भी चीज़ है वो आएगी, 2000 सोम की, 3000 सोम की, 5000 सोम की, 50,000 सोम की, मतलब ऐसे ही ये जाएंगे, जैसे आए हैं वैसे जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम, टैक्सी में हम बैठ चुके हैं जी। व्हाट्स योर नेम? नेम नेम जुबान का मसला तो उनसे मैंने नाम पूछने की कोशिश की है, लेकिन उनको समझ नहीं आई है कि मैं क्या पूछ रहा हूँ। अभी हम जा रहे हैं पुलावा सेंटर, पुलाव जो बेहतरीन ताशकंद में बनाते हैं ना, उनके पास। भाई बशर ने वीडियो बनानी है तो उसके लिए, तो हमें ये टैक्सी मिली है 20,000 में, ये हमें वहाँ तक ड्रॉप कर देगी। जैसे आए हैं वैसे जाएंगे भी, मैंने पहले आपको बताया है। और उसके अलावा हमारे पास सिम कार्ड नहीं है यहाँ का, हम ऐसे ही बगैर सिम कार्ड के, बगैर इंटरनेट के घूम रहे हैं। वो भी हमें चाहिए, तो वो भी कहीं से सिम लेते हैं इंशाल्लाह इंशाल्लाह। उज़्बेकिस्तान है तो उज़्बेक, यूसेल 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 ओके यूसेल दिशेवली दिशेवली नो नो माय नेम मुबशर सिद्दीक, यू ज़ाउद उज़्बेक ज़ाउद उज़्बेक उलुबेक उलुबेक माशाल्लाह। तो हम पूछ रहे थे कि कौन सी सिम कार्ड बेस्ट है यहाँ पे, तो उन्होंने बताया है कि यूसेल, दूसरी भी उन्होंने बताई है उज़्बेक ऐसा कुछ करके नाम है। तो मैंने इंटरनेट पे पढ़ा था कि यूसेल की कवरेज जो है ना वो अच्छी है, तो सिम कार्ड होना ज़रूरी है कि अगर हम कहीं इधर उधर हो जाते हैं तो हम फिर अपने होटल का मैप जो है ना वो मार के जा सकते हैं। ऐसे हमें कैसे पता चलेगा, क्योंकि कुछ भी लिखा हुआ है तो इनकी ज़ुबान में ही है। यहाँ की पहली लैंग्वेज जो है ना वो उज़्बेक है, और सेकंड जो है वो रशियन। इंग्लिश बहुत कम लोगों को आती है। टैक्सी जो है पीछे पार्क की है, भाई मेरे साथ ही जा रहे हैं। भाई बशर यूसेल के दफ्तर में गए हैं, वो इस तरफ करके अब बिल्डिंग की दूसरी तरफ ना, तो इस रोड पे गाड़ी जो है वो पार्क कर नहीं सकते हैं। भाई को नहीं पता कि हमने गाड़ी कहाँ पे पार्क की है, तो इंटरनेट हमारे पास है नहीं है। अभी थोड़ी देर बाद हमारे पास इंटरनेट हो जाएगा, ये ना हो कि भाई जो है वो परेशान हो जाए कि जैन कहाँ गया है। यूसेल के ऑफिस से हम निकला है, सिम ले ली है। अभी भाईजान से पूछते हैं कि कितने में आई है, क्या हिसाब किताब हुआ है, बताएं भाईजान। 1,40,000 में सिम खरीदी और पैकेज लगाया 45 GB वाला। यहाँ लाखों से कम में बात ही नहीं होगी भाई साहब जी। पाकिस्तान में ड्राइविंग जो है वो राइट साइड पे होती है, मतलब जहाँ पे मैं बैठा हुआ हूँ ना यहाँ पे ड्राइवर बैठता है, पैसेंजर नहीं बैठता, यहाँ पे स्टेयरिंग होता है। लेकिन उज़्बेकिस्तान में उलट है, यहाँ लेफ्ट साइड पे ड्राइवर बैठता है। तो कल जब मैं आया ना तो मुझे नहीं इस बात का पता था, तो मैं उस तरफ बैठने लगा था ड्राइविंग वाली सीट पे, तो बंदा यहाँ पे ना कंफ्यूज हो जाता थोड़ा सा ना। इनसे हमारी बात हुई है कि पूरा दिन हमारे साथ रहना है तो आप कितने लोगे, तो उन्होंने कहा 40,000 पाकिस्तानी, 629 रुपये और $4 आई थिंक बनते हैं। अनार देखें भाई, अनार का जूस बना रहे हैं, तो सोचा है कि चलो अनार का जूस पीते हैं। इनको ये समझाना कि हमें अनार का जूस चाहिए, और इतना चाहिए वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है, फिर इशारों में समझाना पड़ता है। इतने हमने लेके जाने 3, इसलिए कि भाई जो टैक्सी में बाहर बैठे हुए हैं, एक उनके लिए, दो हम दोनों भाइयों के लिए। ये आए हैं 60,000 में, 60,000 में 20,000 का एक गिलास, 20,000 का एक गिलास। थोड़ा हम लेट हो चुके हैं, जिस काम से हम यहाँ आए थे वो हमारा काम नहीं हुआ, इसलिए हम फटाफट से निकल गए हैं। तो इनको समझाना था कि हमें आपसे ये काम है, तो मुश्किल हो गया हुआ था। फिर भाई ने फैज़ को कॉल की, फिर उनको इंग्लिश में समझाया, उन्होंने फिर इनसे कॉल पे बात की, फिर इनको समझाया, तो सुबह 8 बजे का टाइम मिला है कि वो कहते हैं 8 बजे आना और आपका काम हो जाएगा। भाई ने एक वीडियो इधर शूट करनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुड 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 ओके, भाई जान कह रहे हैं कि मुझे भी खोल दो। इसका, इस गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, तो उस वजह से ना काफ़ी ट्रैफिक जो है ना जैम हो गई है, हमें इस तरफ को जाना है। खैर करें बचत हो गई। देखा आपने, और दोनों बंदे आराम से खड़े हैं, बिल्कुल भी आपस में झगड़ नहीं रहे हैं। सुबह आपको मैंने अपने होटल रूम से बाहर का व्यू नहीं दिखाया था, रूम से बाहर का कुछ ऐसा व्यू है, गार्डन है,
नाश्ता भी आप इधर बैठ के कर सकते हैं, लेकिन हमने इधर नहीं किया था, हमने अंदर किया था इस तरफ। तो टाइम हो रहा है 1:01 और हम आए हैं अपने रूम में, थोड़ी देर रेस्ट करेंगे। और जो टैक्सी ड्राइवर था हमारा, उसको हमने वापस भेज दिया। उसके साथ हमने जो रेट किया था वो उसका समझाने का, मतलब लैंग्वेज का इशू था, समझ नहीं आई, पैसे ज्यादा बन गए। फिर हमने उसे दे दिए 1,40,000 आई थिंक बने, तो हमने उसको दिए हैं। पहले हमने जो टैक्सी बुक की थी उन भाई साहब को इंग्लिश नहीं आती थी, तो फिर वो हमसे कहना तो बहुत कुछ आते थे लेकिन चाह के भी कह नहीं पाते थे, तो हमें काफ़ी मसला था। हम उनको चीज़ें अच्छी तरह से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे और वो हमें अच्छी तरह से चीज़ें एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे। हम उनको कहीं और जाने का कहते थे, वो हमें कहीं और ले जाते थे, तो ये मसला हो रहा था। फिर हमने उनको कहा कि आप हमें होटल ड्रॉप कर दें, उन्होंने हमें होटल ड्रॉप कर दिया। तो हमने होटल वालों को कहा कि कुछ कोई ऐसी टैक्सी बुक करें जो बंदा इंग्लिश बोल सकता हो, तो उन्होंने हमारे लिए टैक्सी बुक की। तो अभी हमारे साथ हैं सिस्टर आमना, से हेलो टू माई सब्सक्राइबर्स। वो भाई साहब जो है वो हर जगह, जितनी भी जगह पे हम जा रहे थे वहाँ के $4 जो है वो ऐड कर रहे थे, पूरे दिन के $4 नहीं थे। वहाँ पे जब वापस आए हैं होटल में तो तब आके काफ़ी बड़ा बिल बन गया था, तकरीबन 1,40,000। सिस्टर जो हैं हमें सही से सब कुछ एक्सप्लेन कर पा रही हैं, हम इनको एक्सप्लेन कर पा रहे हैं कि हम ये चाहते हैं ऐसे ऐसे ऐसे। तो अभी सिस्टर जो हैं हेल्प कर रही हैं हमें उज़्बेक स्ट्रीट फूड कवर करने में। सिस्टर राइट नाउ वेयर वी आर गोइंग, प्लेस नेम? Place name is airport Bashlyk area. Okay. And here the olot samsa. The many kinds of samsa are here. सुबह हम करेंसी चेंज कर रहे थे और हमारे 100 पाउंड जो थे ना वो पुराने हो चुके थे, मुझे लग रहा था कि पुराने हो चुके हैं और एक मशीन जो है एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी, तो हमने सिस्टर को दिए। ये बैंक गई, बैंक वालों से लड़ झगड़ के एक्सचेंज करवा के आई और बैंक वालों ने 7% जो है उनमें से पैसे रखे थे। ये जूस भाई जान को इतना पसंद आया ना, एक एक्स्ट्रा बोतल भाई ने मंगवा लिया, को देख के ना दिल नहीं करता पीने को। आप बताएं टेस्ट का। अभी मैं भी पी रहा हूँ। जबरदस्त खट्टा खट्टा जबरदस्त। ये इन्होंने खुद लोकल तैयार किया हुआ है, ये पीछे दुकान है, शॉप है इनकी, रेस्टोरेंट है थोड़ी, तो इन्होंने खुद तैयार किया हुआ, बहुत ही मजेदार। सिस्टर व्हाट इज दिस? यस दिस इज ग्रीन सी, दे ड्रिंक लाइक दिस। दे ड्रिंक लाइक दिस? नो, इफ यू वांट टू गिव विद रेस्पेक्ट, विद रेस्पेक्ट। ओके, एंड व्हेन आई टेक इट। ओके वर्ल्ड वार टू के जो हीरोज थे ये उनका टाउन है, और यहाँ पे वो जितने भी हीरोज थे उनकी कब्रें भी हैं, वो ऊपर करके हैं, सीढ़ियाँ चढ़ के जाना पड़ता है और सीढ़ियाँ जो है ना इस तरफ हैं। मुझे ज़्यादा हिस्ट्री के बारे में नहीं पता, ये मुझे सिस्टर आमना ने बताया है, तो जो उन्होंने बताया है वो मैंने आपको बता दिया है। इसका कोई वो ना पेचीदा सा नाम ले रही थी जो यहाँ के हिसाब से था, उज़्बेक में था, वो बहुत मुश्किल था मेरे लिए लेना। तो आपको सिंपल अल्फाज में मैंने बताया कि ये जितने भी हीरोज हैं ना वर्ल्ड वार टू के, ये उनकी याद में बनाया गया। ये स्केटबोर्ड के लिए भी काफ़ी अच्छी जगह है, खुला एरिया है। मेरी अगर मिनी रोबोट यहाँ पे होती ना, और या ये जगह मेरे विलेज की तरफ होती, तो भाई साहब वहाँ पे पूरी भगाता मैं अपनी मिनी रोबोट जो है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ये सीढ़ियाँ बनाई हुई हैं, वहाँ से चढ़ता है बंदा और वो आगे तक नज़र आ रही हैं, और इस तरफ आग जलाई हुई है। भाई जान, आई हैव अ क्वेश्चन। गैस है ये, मैं पता आपसे क्या पूछने लगा था कि क्या ये बारिश वगैरह में बुझ नहीं जाती होगी? 1906 तो 1943 में जो लोग हुए थे ना, ये जंग में जो उनकी, वो शायद यही बता रही थी कि जंग में जितने भी फौत हुए उनको यहाँ पे दफन किया गया। ये आगे देखें कितना बड़ा स्टैचू है यार। अभी हम यहाँ की लोकल बाजार में आए हैं, जो यहाँ से शुरू होता है वहाँ से घूम के यहाँ पे ख़त्म हो जाता है, बस इतना छोटा सा बाजार है। जो गोश्त है ट्रेडिशनल तरीके से तैयार किया हुआ उन्होंने, ये इनकी ज़बान में एक और चीज़ है, हमारी ज़बान में कहें तो पाए। ये मुख्तलिफ किस्म की शराब है जी, बंदा हमें कह रहा है कि ले लो। मैंने पहली दफ़ा ज़िंदगी में इतने करीब से शराब देखी है, इट्स हराम। No. What is this? Kilogram sheep. Sheep? Yes, on tandoor. Okay. They smoke it. Okay. You understand? They not fried. They smoke it, and after they put on sauce.
एंड इट्स बुलियन। पहले तंदूर में पकाया जाता है इसको, फिर इसको नर्म करने के लिए यहाँ पे सूप के अंदर जो है ना कोयलों की आंच पे, हल्की आंच पे पकाया जाता है। ओके ओके, समसा, दे डू लाइक समसा। इधर चॉकलेट्स पड़ी हुई हैं, कोक, मुख्तलिफ किस्म के सिगरेट हैं, इस तरह के, मतलब हमारी तरफ इनमें से कोई भी सिगरेट नहीं होता। व्हाट इज दिस? दिस इज अ रशियन ककुम्बर। ककुम्बर विद सॉल्ट ऑन द बिग ऑन सॉल्ट एंड स्पाइसेस। ये आप अचार कह सकते हैं। हाँ, ये रशियन अचार है। ओके, नहीं इट्स ओके, इट्स ओके। हाँ जी, अच्छा मुझसे नहीं ट्राई हो पाएगा, मुझसे ऐसी नई नई चीजें ना ट्राई नहीं होती है। बाद में अच्छा टेस्ट नहीं आया, बाद में नहीं आया, उस वक्त पहली बाइट में आता है। जब दिस वन ग्रीक टाइप, दिस वन रशियन टाइप। ओके, विदाउट गैस। थैंक यू। हाउ मच? 3000। 3000 की पानी की बॉटल दीजिएगा भाई जान। थैंक यू। 3000 की एक पानी की बोतल हमने तीन ली हैं, तो मतलब 9000 की पानी की बोतल आई हैं। और 3000 पाकिस्तान में बनते हैं 50 रुपए तकरीबन। पाकिस्तान में पानी की इतनी बोतल जो है ना वो 30 रुपए की आती है। छोटा सा बाजार ही है, थोड़ी थोड़ी चीजें लोगों ने रखी हुई हैं, लोग आ रहे हैं लेके जा रहे हैं, आ रहे हैं लेके जा रहे हैं, ऐसा नहीं कि हम खाली बेचारे बैठे हुए हैं। नहीं नहीं, अच्छा खासा मतलब काम चल रहा है इनका। 72, I must give you back. No, 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 it's okay. See you tomorrow. Bye, Allah Hafiz. इंशाल्लाह। आते ही एसी की जरूरत पड़ती है, 22 AC जो है ना मैंने लगा दिया है। टैक्सी जो है हमने बुक की थी 1.5 दिन के लिए, तो 1.5 दिन का हमें देना था $100। फाइनल हमने कोशिश की थी कि इससे नीचे आ जाएं, लेकिन वो नहीं मान रहे थे। लेकिन $100 हमें खैर देने थे, उनके करेंसी में जाओ तो वो 1 मिलियन प्लस बन जाते हैं। तो मेरे पास पाउंड पड़े हुए थे 100 पाउंड, तो हमने वो दिए हैं सिस्टर को। 80 पाउंड दिए हैं जो कि डॉलर्स में बनते हैं $110.69। तो वो दिए हैं, $10 हमने उनको टिप दे दिए। सिस्टर कह रही थी कि अभी मुझे पेमेंट कर दें, उन्होंने कार का कुछ काम करवाना था, तो वो कह रही थी कि अगर अभी पेमेंट हो जाती तो हमने कहा कि ठीक है, कोई मसले वाली बात नहीं है, हमने उनको पेमेंट कर दी है। और ये जो आप रूम देख रहे हैं, ये पर नाइट हम दोनों भाइयों को पड़ रहा है $39 का। तो आप पाकिस्तानी रुपीज में कन्वर्ट कर लीजिएगा कितने बनते हैं, $39। और बहुत ही अच्छी जगह पे है, पुरसकून वाली जगह पे है, जैसी जगह हमें पसंद है वैसी जगह पे है। आज का व्लॉग जो है वो यहीं पे खत्म करते हैं। ज़ैनुल आबिदीन को दीजिए इजाजत, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, बहुत सारा प्यार। अल्लाह हाफिज। अभी एडिटिंग करेंगे और रेस्ट करेंगे, मिलते हैं आपको सुबह।